भारतीय संस्कृत में अग्निहोत्र कर्म प्रतिदिन करने की बौद्धिक काल से परंपरा रही है। यज्ञ हवन के बिना कोई भी कार्य पूर्ण न होने के पीछे इसमें निहित लाभ ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिसमें उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी से ही क्यों किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिकल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो खतरनाक जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसके बनने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर यह गैस उत्पन्न होती है। टोटीक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में पाया कि यदि आधा घंटा हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलने पर पाया कि यह विषाणुओं का नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी शोध किया और देखा कि सिर्फ 1 किलो आम की लकड़ी जलने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम हो जाते हैं। जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई, 1 घंटे के भीतर ही कमरे में मौजूद जीवाणुओं का स्तर 14% तक कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कमरे की हवा में मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कमरे के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकलने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% तक कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कच्छ की वायु में विषाणुओं का स्तर 30 दिन के बाद भी सामान्य से बहुत कम था। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणुओं का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य को दी जाने वाली दवाओं की तुलना में यज्ञ और हवन के धुएं का काफी लाभ है। इसके धुएं से शरीर में पनप रहे रोग खत्म हो जाते हैं, जबकि दवाओं का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव शरीर पर जरूर होता है। हवन की समिधा यानी जलने वाली लकड़ी के रूप में आम की लकड़ी ही सर्वमान्य है, परंतु अन्य समिधाएं भी हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। सूर्य की सीमा मदार की लकड़ी, चंद्रमा की पलाश की, मंगल की खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की लकड़ी, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गूलर की, शनि की शमी की लकड़ी, राहु की दूर्वा और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। मदार की समिधा रोग का नाश करती है, पलाश की सब कार्य सिद्ध करने वाली है, पीपल की समिधा प्रजा संतति का लाभ कराने वाली है, गूलर की स्वर्ग देने वाली है, शमी की पाप नाश करने वाली है और दूर्वा की दीर्घायु के लिए प्रयुक्त की जाती है। हवन और यज्ञ में डाले जाने वाले पदार्थ के मिश्रण से एक विशेष तरह का गुड़ तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। आदि काल से देखा गया है यज्ञ और हवन के द्वारा लोग वर्षा कराने में इसका सहारा लेते हैं। हवन सामग्री वह जल सकने वाले पदार्थ हैं जिसे यज्ञ की अग्नि में
मंत्रों के साथ डाला जाता है। सुगंधित केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, छड़ीला, कपूर, कचरी, बालछण, पनाड़ी आदि। घर, गुग्गल, सूखे फल, जौ, तिल, चावल, शहद, नारियल आदि। मिष्ट, शक्कर, चुहारा, दाख आदि। रोगनाशक, गिलोय, जायफल, सोमवल्ली, ब्राह्मी, तुलसी, अगर, तगर, तिल, इंद्रजौ, आंवला, मालकाग्नि, तेजपत्र, केसर, सफेद चंदन। उपरोक्त वस्तुएं हवन में प्रयोग होती हैं। अन्न के हवन में मेघमालाएं अधिक अन्न उपजाने वाली वर्षा करती हैं। सुगंधित द्रव्यों से विचार शुद्ध होते हैं। मिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य को पुष्ट एवं शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए चारों प्रकार के पदार्थों का समान महत्व देना चाहिए। यदि अन्य वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो जो मिले उसी से या केवल तिल जौ चावल से भी काम चलाया जा सकता है। हवन यज्ञ का छोटा रूप है। किसी भी पूजा जाप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। आप इसे अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। यज्ञ एक अनुष्ठान होता है और वह किसी खास उद्देश्य से किया जाता है। इसमें देवता, आहुति, वेद, मंत्र, ऋत्विक और दक्षिणा अनिवार्य होता है। हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड यज्ञ और हवन भी है। Thank you.